हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ स्पिनी गार्ड की सब्जी। आप देख सकते हैं, ये देखने में ऐसा होता है। इसे हिंदी में खेक्सा भी बोलते हैं और इंग्लिश में स्पिनी गार्ड बोलते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लिया है और इसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, ऐसे पतला पतला। आप देख सकते हैं, मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है। मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच राई के दाने और ये कुकिंग ऑयल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे हाई रखेंगे। हमारी जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमारी जो ऑयल है वो गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें राई के दाने ऐड करेंगे। राई के दाने हैं वो क्रैकल हो रहे हैं। अब हम इसमें हमारी जो स्पिनी गार्ड है उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। इसे स्टर कर लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और ये हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए लीड को क्लोज करके अच्छे से पका लेंगे। मैं यहाँ पे लीड को ओपन करूँगी और इसे स्टर करूँगी। आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है, अब मैं मीडियम करूँगी। इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है, अच्छे से पका लेना है इसे। अभी ये पूरी तरह से नहीं पकी है, इसे हम इसका जो लीड है वो क्लोज करके इसे थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर मैं फ्लेम को मीडियम रखूँगी और इसे का जो लीड है वो क्लोज कर दूँगी और इसे अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारी जो सब्जी है वो बन के तैयार है। देखिए कितनी अच्छा ये क्रिस्पी फ्राई हुआ है, देख सकते हैं पूरी तरह से बन के ये तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल देंगे और यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। देखिए क्रिस्पी फ्राई हो चुका है, मैं इसे एक प्लेट पे निकाल सकते हैं। मैंने हमारी जो सब्जी है उसे एक प्लेट पे निकाल लिया है। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी फ्राई हुआ है। तो ये तैयार हो गई हमारी जो स्पिनी गार्ड की सब्जी, ये तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।